हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक ट्यूटोरियल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी HTML टेक ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ेंगे एक नहीं तीन टैग। वो कौन से हैं? एक है ऑप्शन, एक है ऑप्शन ग्रुप और तीसरा है सेलेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। अगर हमें अपने वेब पेज में कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी हो तो वो हम सेलेक्ट टैग से क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट टैग के थ्रू हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसके आइटम्स जनरेट नहीं कर सकते, और आइटम्स को क्रिएट करने के लिए हमें ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करना होता है, वो भी सेलेक्ट टैग के अंदर। ऑप्शन टैग आइटम्स जनरेट करता है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम हो और बहुत लंबी लिस्ट हो तो उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन कर सकते हैं और वो हम ऑप्शन ग्रुप टैग के थ्रू कर सकते हैं। और गाइस इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं, हम एक एक करके सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइस ये मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेलेक्ट ले लिया और सेलेक्ट के अंदर हमने बनाया, सबसे पहले ऑप्शन डाला हमने एक ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल लैपटॉप i3। यहाँ पर इसे पीछे कर लिया ऐसे, डेल लैपटॉप i3 को मैंने पूरा कॉपी किया कंट्रोल सी और नीचे आकर मैंने यहाँ पेस्ट किया कंट्रोल वी। और इसको डेल को हटाकर भी मैंने कर दिया HP। और इसको हम सेव करते हैं, और सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करते हैं रिजल्ट देखते हैं तो देखिए ये लिस्ट बन चुकी है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस दबाकर ऐसे, इसको आपको दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये दुख लिस्ट बन चुकी है, डेल लैपटॉप i3 i5 ये पूरी लिस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डेल के लैपटॉप्स हैं और HP के लैपटॉप्स हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डेल के लैपटॉप हैं ये अलग ग्रुप में पहुँच जाएँ और HP के लैपटॉप अलग ग्रुप में पहुँच जाएँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट के बाद मैंने बनाया यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप, और देखिए ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर लेबल, और लेबल में हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल लैपटॉप। मैंने डेल लैपटॉप लिख दिया और ऑप्शन ग्रुप को बंद किया उस डेल के बाद कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर डेल के इसके बाद यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया फिर से ऑप्शन ग्रुप स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेबल, और लेबल में लिख दिया HP लैपटॉप। और ये जो ऑप्शन ग्रुप था इसको मैंने यहाँ से कट किया कंट्रोल एक्स, और इसके बाद में यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसे हम सेव करते हैं, और सेव करके देखिए यहाँ पर देखो रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं देखो ये हमारे पास दो ग्रुप्स बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दो ग्रुप बन गए, देखो डेल लैपटॉप और देखिए HP लैपटॉप। अब देखिए डेल लैपटॉप के अंदर देखो डेल के आइटम्स, और ऐसे बहुत अगर लंबी लिस्ट है तो आप ऐसे ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि HP के लैपटॉप्स जो हैं वो हम सेल नहीं करना चाहते, या फिर हमारे वो सेल हो चुके हैं तो सिर्फ हमारे पास डेल के लैपटॉप हैं, या फिर हम डेल के लैपटॉप हमारे सेल हो चुके हैं तो HP के लैपटॉप्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि डेल के जो लैपटॉप्स हैं इसके आगे हम लगा सकते हैं यहाँ पर डिसेबल्ड। एक अगला एट्रीब्यूट है यहाँ पर डिसेबल्ड, मैंने लगा दिया डिसेबल्ड। जैसे मैं डिसेबल्ड लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर सेव करें इसे, और सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये इसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों? अब सिर्फ आप HP के लैपटॉप्स को ही सेलेक्ट कर पाएंगे, डेल के लैपटॉप्स को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हम डिसेबल कर चुके हैं, ठीक है। मैं डिसेबल्ड हटा देता हूँ यहाँ से। डिसेबल्ड आप कहीं पर भी किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ग्रुप हो गया, और ऑप्शन ग्रुप के अंदर लेबल और डिसेबल्ड हमने कर लिया। और अब देखते हैं हम सेलेक्ट का, और सेलेक्ट का अगला एट्रीब्यूट है मल्टीपल। अगर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा दें तो मल्टीपल में क्या होता है कि वो मल्टीपल आइटम्स को शो करता है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, और सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए मल्टीपल आइटम्स शो कर रहा है। देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम्स शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। मैं इसको अभी हटा रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद आप देखें, इसको सेव करके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखें हम ऑप्शन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनके यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले एट्रीब्यूट है ऑप्शन का वैल्यू। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ये नाम तो यूज़र के लिए है, लेकिन सर्वर को पता नहीं कि इसका क्या नाम है। तो सर्वर को बताने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू लगा दें, और वैल्यू में आप दे सकते हैं पूरा वैसी वैल्यू डेल लैपटॉप i3।
ये आपका आपने वैल्यू दे दी। ऐसे ही सब की वैल्यू आप दे सकते हैं यहाँ पर नीचे तक सब की वैल्यू, आप इसको सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो इसके रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्वर को ये समझ आ जाएगा। तो जब हम फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म का डाटा सबमिट करते हैं तो सर्वर पर जो वैल्यू जाती है वो ये वाली जाती है, समझे, ये वाली वैल्यू सर्वर को, सर्वर काउंट करता है। तो ऐसे आप वैल्यू दे सकते हैं सर्वर के लिए। तो मैं अभी इसे हटा देता हूं। और अगला एट्रीब्यूट है इसका लेवल। तो लेवल क्या करता है, देखिए आप यहां पर ये जो बहुत लंबा नाम दिखा रहा है ऐसे डेल का, ये लंबा लंबा नाम दिखा रहा है, आप इसको लेवल में शॉर्ट नेम भी कर सकते हैं। तो आपने लेवल में शॉर्ट नेम कर दिया, मैंने यहां पर लेवल में दे दिया i3, ऐसे मैंने i3, और यहां पर लेवल लगाया मैंने ऐसे, सब पे लेवल लगा देता हूं, आई मैंने कर दिया i5। i7 ये मैंने किया और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके हैं रिफ्रेश करें। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है i3, i5, i7, देखो समझ गए। तो ये जो लेवल का हम शॉर्ट अगर हम शो कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा नाम है, अगर हम छोटा नाम मतलब शॉर्ट नेम शो कराना चाहते हैं तो हम लेवल में लगा सकते हैं। देखो डेल लैपटॉप i3, i5, i7, HP लैपटॉप i3, i5, f7, समझ गए। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं लेवल को, ठीक है। इसमें डिसेबल्ड भी होता है, जैसे अगर आपका डेल का i5 बिक चुका है तो आप i5 को डिसेबल कर सकते हैं, डेल के i5 को यहाँ पर आप कर दें डिसेबल्ड। जैसे ही आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर हम इसे i5 को देखो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर डिसेबल कर चुके हैं, तो i5 को हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। और अगला एट्रीब्यूट है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड में क्या है कि आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक आइटम ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहे, जैसे मान लीजिए HP का लैपटॉप i7 है, इसको मैं सेलेक्टेड रखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर कर सकता हूं सेलेक्टेड। और सेलेक्टेड जैसे करेंगे तो जैसे आप इसको सेव करके यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो देखो i7 और वो भी HP का सेलेक्ट रहेगा, ये है सेलेक्टेड। तो आप ऐसे किसी आइटम को, पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्टेड भी रख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जैसे पेज खुले तो सेलेक्ट रहे, ठीक है। तो गाइज ये थे ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप और सेलेक्ट टैग। तो गाइज इस ट्यूटोरियल बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ कहना है तो कमेंट करें। गाइज अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।